प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम इन अकाउंटिंग एजुकेशन। आज हम दोबारा वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस को सिंपलीफाई करेंगे इन सिंपल हिंदी में। देखो, जो वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस है वह टोटल है वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का और वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस का। इसका टोटल है टोटल वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। देखो, यहाँ ओवरहेड का मतलब ये होता है इनडायरेक्ट खर्चा। जैसे आपने एक मकान बनाया, उस मकान को बनाने में जो कुछ खर्चा तो डायरेक्ट होगा, जैसे मटेरियल का खर्चा है कि आपने ईंटें लगी, सीमेंट लगा, रेता लगा। कुछ खर्चा होता है इनडायरेक्ट होता है, जो अब आपको दिखाई नहीं देता। आपने लेबर चौक से लेबर को लेके आया तो आपकी बाइक का जो पेट्रोल लगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। उसे उसे ही हम ओवरहेड कह सकते हैं। ऐसे ही कुछ खर्चे प्रोडक्शन के साथ बदलते रहते हैं। जितने ज़्यादा लेबर आप बाइक पे लेके आओगे तो उतना खर्चा ज़्यादा होगा, तो वो वेरिएबल ओवरहेड बन जाएगा, जो पेट्रोल का खर्चा है। ठीक, तो इसकी हम ये देखते हैं कि ये खर्चा हमने ज़्यादा किया या कम किया, वास्तव में किया गया खर्चा, और जो स्टैंडर्ड बनाया था उसका कि भैया इतना होना चाहिए चाहिए खर्चा, उसमें अगर अंतर है तो हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है जिससे हम अपने खर्चों को कम कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले हम वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। इसमें यह है कि आपका खर्चा जो है वो कम हुआ या ज़्यादा हुआ वो पता लग जाता है इससे। मान लो कि आपका जो एक्चुअल टाइम टेकन है किसी भी काम को करने के लिए, समय लगता है वो कितना लगा समय, उस स्टैंडर्ड रेट पर आवर, ये ओवरहेड का रेट है। हर एक व्यक्ति या कोई भी लेबर आएगी तो वो खर्चा लेगी, ठीक है, तो उसका एक रेट है। ठीक है, तो इसको इसके साथ गुना कर दीजिए, माइनस एक्चुअल ओवरहेड जो है वो घटा दीजिए। मान लो कि प्रोडक्शन को करने में जो टाइम लगा था 10 घंटे लगे थे, जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ उसका रेट है 2 रुपये पर घंटा, तो ये 20 हो गया। और एक्चुअल जो ओवरहेड है जो हमने वास्तव में किए हैं वो 30 किए हैं। होना चाहिए था 20 खर्चा, हो गया 30 खर्चा, 10 रुपये हमने ज़्यादा खर्चा कर दिया। इसके ऊपर बहुत बहुत ही चिंतन होना चाहिए, बहुत ही मनन होना चाहिए, ठीक है, और इसको कम करने की कोशिश की जानी चाहिए। अब आ जाइए वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरियंस। इसका मतलब ये है कि हमारी एफिशिएंसी तब अच्छी होगी जब हम कम समय में ज़्यादा काम करेंगे, तो ओवरहेड कम होते हैं, जो वेरिएबल ओवरहेड है, प्रोडक्शन ज़्यादा निकलेगी कम समय में, तो अच्छी अच्छी हमारे लिए अच्छी है, अच्छी बात है ये। तो इसमें है टाइम अलाउड, प्रोडक्शन करने के लिए कितना हमने एक स्टैंडर्ड बना लिया कि इतना टाइम लगेगा, टाइम अलाउड है, गुना स्टैंडर्ड रेट पर आवर, ये भी ओवरहेड का एक रेट है, माइनस एक्चुअल टाइम टेकन, काम को करने के लिए कितना टाइम लगा, वास्तव में लगा, ये अलाउड किया गया था और ये वास्तव में लगा। हम मान लेते हैं कि एक दिन में इतना कार्य होगा, ये एस्टिमेट हो गया, और वास्तव में हो लगते हैं 2 दिन काम के लिए, हमने एस्टिमेट किया 1 दिन, लगे हैं 2 दिन, तो हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो इसको स्टैंडर्ड रेट पर आवर से गुना कर देंगे। 5 घंटे हमने अलाउड किया है काम को करने का समय, ठीक है, और 2 रुपये घंटे का रेट रखा है, लगे हैं 10 घंटे, उसका रेट है 2 रुपये पर घंटा, तो 10 रुपये माइनस 20 रुपये, 10 रुपये सिर्फ समय का सदुपयोग नहीं किया गया, उसके लिए हमें जो घाटा हुआ है, हमारे खर्चे बढ़े हैं, वो 10 रुपये हैं। इस 10 रुपये को इस 10 रुपये में जमा कर दीजिए, तो टोटल वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस आपका 20 निकल गया। तो ये 20 दो रीजन से निकला है, आपने खर्चा ज़्यादा किया है, नंबर 2 पे आपने अपना जो टाइम अलाउड किया गया था उससे ज़्यादा टाइम लगा दिया काम को करने के लिए। अगर इस टाइम को कम लगाएं तो आपका एफिशिएंसी वेरिएंस कम होगा, और खर्चा कम करोगे तो आपका एक्सपेंडिचर वेरिएंस कम हो जाएगा, जिससे ये पॉजिटिव हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।